क्रिस्त में प्रिय भाई और बहन, आज संपूर्ण कलीसिया संत अल्बर्ट महान का पर्व मनाती है। उनकी मृत्यु के समय उनकी आयु 87 वर्ष की थी, और इससे ही पता चलता है कि उनका जन्म 1193 में लगभग हुआ होगा। वे एक धनी परिवार से संबंध रखते थे। उनका बचपन प्रार्थनामय था और प्रभु के कार्यों को भी किया करते थे, और हमेशा से उनकी इच्छा थी कि वे एक पुरोहित बने। उन्होंने अपनी उच्च शिक्षा पादुआ यूनिवर्सिटी से हासिल की। उनके माता पिता नहीं चाहते थे कि वे एक पुरोहित बने, फिर भी उन्होंने डोमिनिकन संस्था में जाकर अपने आप को प्रभु के लिए समर्पित किया। प्रभु के कार्यों को करते हुए उन्होंने अपना जीवन बिताया। जर्मनी में वे एक लेक्चरर बन चुके थे और वे इस शास्त्र के गुरु माने जाने लगे थे। संत थॉमस अक्विनास को भी उन्होंने पढ़ाया, उन्हें शिक्षा दी, और उनके साथ ही कई लोग उनकी प्रेरणा से प्रभावित होकर अपने जीवन को उन्होंने आगे बढ़ाया है। 1254 में उन्हें डोमिनिकन समाज का प्रोविंशियल बनाया गया। उन्होंने इस शास्त्र और दर्शन शास्त्र में गहन अध्ययन किया ताकि वे प्रभु को और गहराई से समझ सके, प्रभु के प्रेम को और नजदीकी से जान सके। 16 दिसंबर 1931 में संत पिता पायस 11वें ने उन्हें संत घोषित किया। आइए क्रिस्त में प्रिय भाई और बहनों, हम इस संत के माध्यम से प्रार्थना करें कि हमारा जीवन भी इस संत के समान हो, इस संत के कार्यों के जैसा प्रभु के प्रेम में लीन रहे, प्रभु के कार्यों को करते रहें। इसके लिए हम निरंतर